हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स होते क्या हैं? मल्टीपल एंगल्स मतलब मान लो कोई थीटा है और थीटा का मल्टीपल्स कितने क्या क्या होंगे। थीटा का होगा तो 2 थीटा हो सकता है, और 3 थीटा भी हो सकता है, 4 थीटा भी हो सकता है, या तो 5 थीटा भी हो सकता है। अच्छा, ये होता है तो मल्टीपल एंगल चला गया, मतलब कुछ मल्टीप्लाइड होता रहेगा हमेशा। अच्छा, सब मल्टीपल्स एंगल का मतलब क्या है? मान लो थीटा है तो इसका सब मल्टीपल क्या होगा? थीटा बाई 2 हो सकता है, या तो थीटा अपन 2 का स्क्वायर हो सकता है, या तो थीटा अपन 2 का पावर 3 हो सकता है, या तो थीटा अपन 2 का पावर 4, या तो थीटा अपन 3 हो सकता है, एंड सो ऐसा कुछ बन सकता है। ये सारे चीज़ को बोला जाता है सब मल्टीपल एंगल्स, और इसको बोला जाता है मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, बात रहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसका कैसे निकालेंगे। हाँ हाँ इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। उससे पहले हमें कंपाउंड एंगल का ये वाला साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, या तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, या तो कॉस ए प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। तो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो साइन ए प्लस बी का लिख लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर साइन ए माइनस बी का लिखना चाहोगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन दे दो, काम रफा दफा करो। अच्छा, कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? मान लेते कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छा, प्लस है ना, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा पहले, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी निकालना है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी लिखना होगा। ये दोनों फॉर्मूला से तुम कंफर्टेबल हो जाना अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो पहले तो समझ में आया कि मल्टीपल्स एंगल क्या होते हैं, कि थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, ये सारे मल्टीपल एंगल होते हैं। या तो ऐसे तरीके से बोल सकते हो, थीटा होगा 2 का पावर 2 थीटा होगा, या तो 2 टू द पावर 2 थीटा होगा, या तो 2 टू द पावर 3 थीटा, ऐसा कुछ बनता रहेगा। एंगल्स एंगल्स के होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मान लेते हैं पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला पता चल गया था हम लोगों को। अब देखते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। वैसे तो हमें साइन 2 थीटा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे इतना पता है कि साइन 2 थीटा को मैं जादू मंतर से कुछ थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। मतलब ये कुछ साइन ए प्लस बी जैसा दिखाई दिया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए नहीं, ए की जगह थीटा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी नहीं, बी की जगह भी थीटा, प्लस कॉस ए नहीं, कॉस ए की जगह थीटा, मल्टीप्लाइड बाई साइन बी नहीं, साइन बी की जगह थीटा। मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वही क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स, ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा क्या? ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा का गीता वाला फॉर्मूला, और हमेशा अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना, फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली याद रखना चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? मैं तो साइन 2 थीटा को लिख लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका और एक फॉर्मूला निकालते हैं। और एक फॉर्मूला क्या है? मान लो मैं कुछ कांड करना चाहता हूं। कैसा कांड? मैं ऊपर नीचे एक कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिवाइड कर दिया। ऊपर एक मल्टीप्लाई किया और एक में जादू मंत्र से डिवाइड कर लिया। किसी कोई दिक्कत होगा?
दिक्कत नहीं भी होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होगा? मेरे ख्याल से साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो कि टैन थीटा होता है मल्टीप्लाइड बाय ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन और भी हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, वन अपन सेक थीटा होता है, ये सर नो। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन अपन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो वही जो यही जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको मैं लिख लिया वन अपन सेक स्क्वायर थीटा, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? लेकिन फिर से मैं सेक स्क्वायर थीटा को टैन में कन्वर्ट, क्योंकि टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा टैन में है, तो इस सेक स्क्वायर को थोड़ा टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को टैन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ दिखाई देगा? वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा क्या? तो वही लिख लेते हैं, कितना होगा? टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो साइन टू थीटा का दो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गए, और इन दोनों को तो तुम लोग को याद ही रखना होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है टू साइन थीटा इंटू ये वाला फॉर्मूला, ये वाला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक है टू टैन थीटा अपन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले याद होने तो ही चाहिए। ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्म ये था मेरा पहला फॉर्मूला, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद हो जाएगा। अच्छा चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा वापस हम तो समझ में नहीं आता टू थीटा क्या है, बस इतना ही समझ में आता है कि टू थीटा को मैं जादू मंत्र से लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा, यानी कि कॉस ए प्लस बी जैसा यूज होगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए नहीं ए की जगह थीटा इंटू कॉस बी नहीं बी की जगह थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस था तो इसलिए क्या होगा? माइनस होगा क्या? माइनस साइन ए नहीं ए की जगह थीटा इंटू साइन बी नहीं बी की जगह थीटा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो गया, जो कि लेकिन ए भी नहीं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, वापस कितना लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये था पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला की तो और आते हैं, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ देर के लिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, चलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितना चीज दिखाई दिया आप? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है क्या? ठीक है। अच्छा और एक फिर इस फॉर्मूला से और एक बार आते हैं, ये तो पूरा साइन के फॉर्म में आ गया, ये एक फॉर्मूला साइन के फॉर्म में आ गया, और ये एक फॉर्मूला कॉस और साइन दोनों में आ गया। एक और फॉर्मूला निकालते हैं कॉस के फॉर्म में, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? और ब्रैकेट अच्छे से दे दिया। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होके चला जाएगा, यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आगे से एक और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा एक और काम किया, फिर से पहले पहले फॉर्मूला पहला फॉर्मूला क्या था मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम किया कि मुझे टैन में एक फॉर्मूला लाना है, हर वक्त मैं ट्राई करूंगा कि टैन का कुछ फॉर्मूला आ जाए तो अच्छा होता।
टैन का फॉर्मूला लाने के लिए मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया, इस एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया, लेकिन ये अपने आप से डिवाइड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए तो मल्टीप्लाई तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो वही लिख दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ए माइनस बी अपन सी जैसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, तो ए माइनस बी अपन सी कितना होगा, ए अपन सी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू टैन स्क्वायर थीटा ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लिया 1 अपन sec² थीटा, और सेक्स स्क्वायर की जगह लिख लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब एक और फॉर्मूला आ गया 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा के कितने फॉर्मूले आ गए, मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा के जितने भी फॉर्मूले हैं, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले क्या क्या हैं, एक तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार फॉर्मूले हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप यूज होंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे तो इसके बिना ये सारे फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होगा, इसको याद तो रखना ही है। ठीक है,